पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में शानन जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले जानते हैं ये हालिया खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्र ने आदेश दिया है कि शानन जल विद्युत परियोजना पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जिस पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों दावा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को समन जारी किया है। चलिए अब देखते हैं क्या है विवाद। बता दें कि शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका वार्षिक कारोबार लगभग 200 करोड़ रुपए है। इसकी स्थापना 1925 में तत्कालीन मंडी रियासत में हुई थी, लेकिन इसे पंजाब सरकार को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया गया। 1966 में जब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो परियोजना पंजाब को ही आवंटित रहने दी गई। अब समस्या यह है कि 2 मार्च 2024 को पट्टे का कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे में हिमाचल प्रदेश इस परियोजना पर अपना दावा कर रहा है। हिमाचल सरकार का आरोप है कि परियोजना खराब स्थिति में है, क्योंकि पंजाब इसकी मरम्मत या रखरखाव नहीं कर रहा है। इसी के विरोध में पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। महत्वपूर्ण तथ्य, शानन जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी की सहायक नदी उहल नदी पर मंडी जिले में स्थित है। यह 110 मेगावाट की बिजली परियोजना है। इसकी परिकल्पना 1922 में पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्य इंजीनियर कर्नल बट्टी द्वारा की गई थी। परियोजना का पहला चरण 48 मेगावाट का साल 1932 में शुरू किया गया था। शानन परियोजना को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब राज्य को आवंटित किया गया था। अधिनियम के तहत शानन परियोजना को भारत सरकार के सिंचाई और बिजली मंत्रालय द्वारा पंजाब राज्य को आवंटित किया था। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। शानन जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह पंजाब राज्य में स्थित है जबकि हिमाचल प्रदेश को इसे लीज पर दे दिया गया है। दो, इसकी परिकल्पना पंजाब सरकार के तत्कालीन मुख्य इंजीनियर कर्नल बट्टी द्वारा की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।